चीन में कोरोना की लहर के बीच भारत में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार पहले ही सचेत हो गई है। पीएम मोदी की कोरोना समीक्षा बैठक के एक दिन बाद ही सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इंट्रानेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल की आज से ही इजाजत दे दी गई है। हालांकि ये वैक्सीन अभी केवल प्राइवेट अस्पतालों में ही मिलेगी। बता दें कि इस वैक्सीन को पहले भी मंजूरी दे दी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा इससे पहले भी नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई थी। 6 सितंबर को भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने उस समय केवल आपातकालीन उपयोग के लिए इसको मंजूरी दी थी। DCGI ने 18 साल की ऊपर के लोगों को इसकी मंजूरी दी थी। बता दें कि ये वैक्सीन टीके के जरिए नहीं दी जाती। इसकी खासियत यही है कि वैक्सीन को नाक में स्प्रे करने के माध्यम से दिया जाता है। फिलहाल सरकार ने 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए इसको मंजूरी दे दी है, जो प्राइवेट अस्पताल में जाकर लगवा सकेंगे। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान की सफलता के पीछे कोविन ऐप को माना जाता है। वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी देने वाले इस ऐप के जरिए लोग अपना स्लॉट बुक करवाने में काफी सहायता पाते हैं। इस बीच सरकार आज शाम से इस ऐप पर नेजल वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में जानकारी देंगे।